हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन्स को, जिससे कि आपको मेरे आगे के आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पालक का ऐसा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता जो बच्चे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ये बहुत हेल्दी तो है ही और साथ साथ ये बहुत टेस्टी भी है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी पालक जिसको मैंने अच्छे से धोकर काट कर यहाँ पर रखा हुआ है, और थोड़ा सा पानी, 1/2 कटोरी दही, 1 चम्मच राई, 1 हरी मिर्च, लाल मिर्च और नमक। सबसे पहले हम एक खाली बोल लेंगे और इसमें हम डालेंगे बेसन। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और हम इसे स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसका एक गाढ़ा बैटर तैयार करना है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें इसे तब तक चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से मिल ना जाए। आप देख सकते हैं हमें इस तरीके का बैटर तैयार करना है। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे पालक जो हमने पहले से काट कर रखी हुई है। पालक को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पालक को मैंने मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, जैसा भी आपको खाना पसंद हो कम ज़्यादा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। आप चाहें तो यहाँ हरी मिर्च का यूज़ भी कर सकती हैं, बट मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें मिर्च का यूज़ कम करूँगी। और मिर्च डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि पूरे बैटर में नमक और मिर्च अच्छे से मिल जाए। उसके बाद हम इसे एक साइड रख देंगे और हम इस तरीके का एक टीन का बर्तन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद हम इसे ड्रेसिंग कर देंगे। पूरे बर्तन में हमें ऑयल को अच्छी तरीके से लगा देना है। ऑयल को मैंने बर्तन में लगा दिया है, उसके बाद हम तैयार बैटर को बर्तन में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर बैटर को डाल दिया है और अब हम इस बैटर को स्टीम करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गर्म करने रख दिया है और हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। पानी डालने के बाद हम इस पर एक स्टैंड रखेंगे और उसके ऊपर हम इस बर्तन को रख देंगे और उसके बाद हम लिड से इसको ढक देंगे और 15 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टूथपिक ली है, तो हम इस तरीके से प्रेस करके चेक करेंगे। टूथपिक क्लीन है, इसका मतलब है कि हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हम इसको कपड़े की हेल्प से इसको बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ये अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब हम एक चाकू की हेल्प से इसके किनारों को अलग कर देंगे। किनारों को मैंने यहाँ पर अलग कर दिया है, तो अब हम एक प्लेट लेंगे और इस पर इस तरीके से रखकर इसको हम पलट देंगे और हम इसको पीछे से इस तरीके से टैप करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, तो अब हम तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन को गर्म करने रखा है और पैन में हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है। जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 हरी मिर्च डालेंगे, आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी राई और राई को हम तड़कने देंगे। जैसे ही राई तड़क जाए हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और तड़के को नीचे रख लेंगे। मैंने तड़के को नीचे रख लिया है और उसके बाद हम स्पून की हेल्प से जो तड़का है उसको हम इसके ऊपर इस तरीके से फैला देंगे। तड़का डालने के बाद अब ये खाने के लिए रेडी है, तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। सर्व करते समय मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है और ये बहुत हेल्दी भी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और क्लिक करें बेल आइकन्स पर, जिससे कि आपको मेरे आगे के आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।